पीछे उस पर टीडीएस चल रहा है। ओ, ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ शूट पे। वैसे तो मैं नवंबर दिसंबर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी वेडिंग सीजन में ड्यू रूटीन क्या होती है, कैसे कैसे सब शूट्स मैनेज होते हैं, टाइमिंग्स कैसे होती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन आज के शूट में इट्स अ ब्राइडल कैंपेन काइंड ऑफ शूट। आई एम डूइंग इट फॉर ईशा मेकअप स्टूडियो और आई लव हर मेकअप। मैं खुद भी 2-3 दफ़ा तैयार हो चुकी हूँ अपने कज़न की शादी पर, और इवन अपनी दुआएं खैर पे भी मैं उसी से रेडी हुई थी। सो आई लव हर मेकअप एंड ऑल दैट। तो देखते हैं कि इस दफ़ा की ब्राइड्स उसने किस तरह से रेडी की हैं। वैसे तो हमने हर चीज़ कोऑर्डिनेट की थी कि किस तरह की स्टाइलिंग मुझे चाहिए एंड ऑल दैट। सो स्टे ट्यून्ड। और आज की लोकेशन भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, स्पेशली फॉर बहावलपुर। मतलब बहावलपुर में फर्स्ट टाइम इस तरह की अच्छी सी इंडोर लोकेशन बनी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि किस तरह का उसमें मैं शूट निकाल सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो विद मी। पहुँच गई है ये मेरी प्यारी सी मॉडल। Oh, she looks stunning. दुल्हन बनी हो ऐसे पोज़ेस नहीं होते। ओके ओके ओके। अभी मेरा काम शुरू नहीं हुआ, सो आई एम जस्ट चिलिंग। ये लोग कर लें फिर पीछे उस पर टीडीएस चल रहा है। ये क्या है? अभी इसमें टाइम है गाइस। इट्स नाइस फैसल। ये निकाल कर बोलता है ओके इसमें मेरा कर दो। सो वी आर फाइनली ऑन वे। वैसे हमने डिसाइड किया था कि हम 4:30 तक जाएंगे, बट अब तक 6 बज गए हैं। और जी ये हम लोकेशन पर आ गए हैं। यहाँ इंस्टेयर्स पे मुझे टेल लटका के शूट करना है। दिखाते हैं इसको अंदर से भी। एंड आई हैव अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर यू ऑल। अच्छा तो व्यूवर, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है ना प्रोफेशनल फोटोग्राफर आ गई हैं और ये जो है ना सेटिंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं आप? ये पुर्जे डाल रही हूँ मैं। पुर्जे डाल रही हैं अभी, ज़रा सेटिंग हो जाए। और भी कुछ सामान रहता है या बस यही हमारा हथियार है? बस ये हथियार है। लोकेशन इज प्रीटी, आई लाइक इट। और हम शूट करेंगे, पहली लुक हमने यहाँ पे स्टेयर्स पे करनी है। साड़ी वैसे अंदर जाके बैठ गए हैं, उन जाके कहती हूँ कि भाई आ जाओ, मैंने अपना शूट नहीं करना। सो दैट्स हाउ इट लुक्स फ्रॉम इनसाइड। इट्स वेरी प्रीटी लोकेशन। मतलब आप डे टाइम में भी शूट कर सकते हो, नाइट टाइम में भी यहाँ शूट कर सकते हो। गर्मियों में शूट होना तो नहीं चाहिए, मगर कर रहे हैं, अल्लाह करे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आए इंशाल्लाह। सो थैंक गॉड, जल्दी जल्दी मैंने दोनों का ही आउटडोर शूट मैनेज कर लिया। अदरवाइज़ लाइट जो थी ना, बहुत ही हम लेट हो गए थे आते आते। इस वक्त तक ऑलमोस्ट सूरज जा चुका है और बस हम भी एंड कर रहे हैं। तो गाइस अब चल गई हैं लाइट्स भी और बहुत ही अच्छा कमाल का व्यू आ रहा है। पानी पिला दो। जी जी ज़रूर भाई। अब अच्छी लाइट है, वो खुद ही कह रहा था मुझे आ जाओ इधर बैठो जल्दी। नाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हिम्मत है भाई। ओ माय गॉड, द शूट लोकेशन इज़ वेरी प्रिटी। थैंक गॉड बहावलपुर में कुछ अच्छा इंडोर शूट के लिए आया। दिस इज़ वेरी नाइस प्लेस। अब हम इंडोर लोकेशन को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आई लव दिस कॉर्नर, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई इस पर। मरियम को मैंने बहुत घुमाया आज, क्योंकि उसके ड्रेस की फॉल बहुत अच्छी थी और वो बहुत अच्छा आ रहा था घूमते हुए। चलो हंसी क्यों पहले, दोबारा से मीट माई ब्यूटीफुल। फोटोग्राफी में मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। हम पहले तो हाँ उस
सुबह मेरा पहला इंटरेक्शन बड़ा अच्छा था, मेरा ना कोई इवेंट था, मैं बहुत सुबह भी मेरा स्टार्ट था, तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा। हाँ, और ये बड़ी प्यारी लग रही थी, इसने ब्लैक कलर का लहंगा पहना हुआ था और ये मोबाइल पर लगी हुई थी। और मैं इसके पास गई, मैंने कहा मैं आपके पिक्चर्स ले लूँ, इन्होंने कहा हाँ श्योर, मैंने कहा पोस्ट भी कर लूँ, कहती हाँ श्योर। मुझे तो इतनी खुशी, मैंने कहा यार इतनी प्यारी लड़की है, ऊपर से मुझे तस्वीरें पोस्ट भी करने दे। मैं इसको ले गई, मैंने तो इसके सारे लोगों को हटाया और उस वक्त और उनको पिक्चर भी भेजी थी मेरी दिन की शादी की, वो तो डाटा में गलती से है ना। हाँ, और उसके ये कौन है जिसका इतना शूट हुआ है। और उसके बाद ये कहते हैं ना, तब से हमारा कोई तीसरा शूट चौथा शूट है साथ में, कि अब इंशाल्लाह जल्द हम उस वक्त ना शादी का शूट करेंगे। और कैसे फाइनली वी आर डन विद द शूट, और लकीली आज थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन आई लव द इंटीरियर, पिक्चर्स बहुत प्यारी आई हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम पे किसला फोटो वर्क्स को फॉलो करें पिक्चर्स देखने के लिए। ओके सो गाइज, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर माई फॉलोअर्स एंड फॉर माई क्लाइंट्स, के जितने भी ये कहते हैं क्लाइंट्स हैं, अपकमिंग क्लाइंट्स हैं, उनको अगर उन्होंने फ्लैटीज में शूट डन करवाना है तो उनको स्पेशल ऑफ मिल सकता है चार्जेस पे, क्योंकि बहावलपुर में जिनका इवेंट रात में होता है उनके पास आउटडोर की कोई स्पेस नहीं बचती कि वो कहीं करवा सकें शूट, तो इंडोर प्लेस की बहुत ज़रूरत थी बहावलपुर में, सो फाइनली वी हैव। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा आज व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी टीम के पास था क्योंकि मैं तो ऑफकोर्स शूट कर रही थी, लेकिन आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों का आइडिया हो गया कि कितनी मेहनत करते हैं हम। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, बाय बाय।